हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रू कॉलर्स की कुछ ऐसी सेटिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए हर एक ट्रू कॉलर यूजर को जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, ट्रू कॉलर्स ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं अपने फोन में और उनको ये फीचर्स अभी तक पता ही नहीं है, क्यों किसी ने बताया नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने वाला हूँ ट्रू कॉलर्स के अंदर जो हर एक स्मार्टफोन यूजर को पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां मैं समझाऊंगा डिटेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हर एक ट्रू कॉलर यूजर को और स्मार्टफोन यूजर को पता होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपको मिल सकता है आगे जाके धोखा। आप सामने वाले का पोल खोल कर रख सकते हैं अगर ये फीचर्स आपको पता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है आज की इस वीडियो में, काफी कमाल की वीडियो होने वाली है, काफी कमाल के फीचर्स बताऊंगा। चले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे चलने से पहले दोस्तों मेरे बारे में जान लो, मैं हूं गोविंद, आप लोग देख रहे हैं टेक गोविंद। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं ऐसी कोई भी वीडियो ना तो आप लोग मिस ना कर पाए, और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करें अपने छोटे भाई को जिससे मैं ऐसी वीडियो लाते रहे। चले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जो सेकंड नंबर की फीचर है काफी ज्यादा यूजफुल है, तो इसको जरूर देखें, खासकर मेरी प्यारी सी बहनें और भाई। चलिए देख सकते हैं साइड की स्क्रीन में दोस्तों पहला सेटिंग्स क्या है। तो देखिए दोस्तों साइड की स्क्रीन में यहां पे आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, 3 डॉट पे जाने के बाद आप लोगों को सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा जनरल। दोस्तों ये जो पहली सेटिंग्स बता रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा यूजर्स को पता है, बट अभी भी 50% यूजर को ये फीचर्स के बारे में पता नहीं है। तो आप लोगों को जनरल पे टैप करना है। जनरल पे टैप करने के बाद देखिए दोस्तों आप लोगों को यहां पे देखिए, यहां पे एक आ रहा होगा शो ऑल कॉल फॉर अदर ऐप, मतलब कोई भी ऐप पे आपको कॉल कर रहा है और आपको बेवकूफ बना रहा है कि मैं ये बोल रहा हूं आप पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग यहां से इसको क्या करें, इनेबल रखें। इनेबल रखने से क्या होगा दोस्तों कि कोई भी चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे मैसेंजर पे, चाहे फेसबुक पे, कहीं पे भी कॉल कर रहा है आपको, तो ट्रू कॉलर आपको वेरीफाई करके बता देगा कि ये कौन सा व्यक्ति है। बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है यार, इसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि बहुत बार हमें कोई प्रैंक करता है हमारे साथ या बेवकूफ बनाता है, तो इस तरह आप बच सकते हैं बेवकूफ बनने से। थारा कमाल का फीचर्स दोस्तों, देखिए आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहां पे देखिए, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, ये देखिए यहाँ पे प्रोफाइल वीप नोटिफिकेशन, मतलब आपका कोई नंबर ट्रू कॉलर पे डाल रहा है और चेक कर रहा है कि आपका रियल नाम क्या है कुछ भी, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप लोगों ने इसको इनेबल रखा है यहाँ से, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका कोई प्रोफाइल चेक कर रहा है। काफी यूजफुल चीज है यार, इसका इस्तेमाल भी जरूर करें, इसको जरूर ऑन रखें। चलिए चलते हैं फीचर नंबर सेकंड की तरफ, जो मैंने कहा था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को सबसे नीचे दिख रहा होगा प्राइवेसी सेंटर, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखना है दोस्तों। आप लोगों को यहां पे टैप करना है। यहां पे टैप करने के बाद देखिए दोस्तों यहां पे ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों हु कैन सी माय ट्रू कॉलर प्रोफाइल, कि मेरे ट्रू कॉलर का प्रोफाइल क्या है और कौन देख पाए। तो उसके लिए आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोग चाहते हैं कौन देख पाए कौन नहीं। ऐसे क्या होता है, हम किसी को कुछ और नाम बताते हैं, वो उस व्यक्ति क्या करेगा ट्रू कॉलर पर नंबर डालेगा, तो उसको हमारा रियल नाम पता चल जाएगा। वैसे में दोस्तों आप लोग देखिए यहां पे टैप करना है। यहां पे टैप करने के बाद दो ऑप्शन आएगा, ऑल ट्रू कॉलर यूजर्स, जो ट्रू कॉलर यूजर वो चेक कर पाएगा, या देखिए दोस्तों रिक्वेस्ट अप्रूवल बाय मी, मतलब मैं जब तक रिक्वेस्ट अप्रूवल नहीं दूंगा वो मेरा प्रोफाइल चेक नहीं कर सकता ट्रू कॉलर से, मतलब मेरा रियल नाम पता नहीं कर सकता यहां से। तो ये फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि हम बहुत बार चाहते हैं कि जो गलत व्यक्ति है या कोई भी वो हमारा रियल नाम ना जान पाए, तो वैसे में दोस्तों वो यहां पे ट्रू कॉलर में चेक करके हमारा रियल नाम जान सकता है, तो इस तरह आप बच सकते हैं उसको रियल नाम बताने से, काफी यूजफुल है। कमेंट जरूर करें कि ये फीचर्स कैसा लगा आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। यहां पे देखिए वी प्रोफाइल प्राइवेटली, आप लोग अपना प्रोफाइल को प्राइवेट करना चाहते हैं कि कोई भी ना देख पाए, तो आप लोग यहां से डायरेक्ट इसको इनेबल रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोफाइल फोटो है वो प्राइवेट हो जाएगा, मतलब जो आपका नाम जो भी है सब प्राइवेट हो जाएगा, तो इस तरह आपका कोई प्रोफाइल नहीं देख सकता कि आपका क्या नाम है, मतलब फोटो वोटो कुछ भी, ठीक है, कमाल का था। उसके बाद दोस्तों आप लोग को यहां पे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए दोस्तों रिसीट ऑफ माई डाटा, आप लोगों को यहां पे टाइप करना। टैप करने के बाद देखिए दोस्तों आपको लगता है कि कुछ नाम गड़बड़ है या कुछ भी नंबर चेंज करना है या कुछ नाम फोटो वोटो कुछ भी चेंज करना है, तो आप लोग उसका यहां से चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं सब कुछ यहां से चेंज कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो यहां से फोटो भी मैं ऐड कर सकता हूं, अगर आप लोग नाम वाम चेंज करना चाहते हैं ट्रू कॉलर में आसानी से यहां से कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे भाई कमेंट करते हैं कि सर हम ट्रू कॉलर में नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए आप लोग यहां से नाम अपडेट कर दीजिए, 24 से 48 घंटे में आपका नाम अपडेट हो जाएगा ट्रू कॉलर पे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो उन सभी के लिए ये फीचर था कि आप लोग नाम
कहां से चेंज कर सकते हैं, यहां से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। देखिए दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा ब्लॉकिंग, तो आप लोगों को ब्लॉकिंग पर टैप करना है। ब्लॉकिंग पर टैप करने के बाद काफी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों, इसकी इस्तेमाल खासकर मेरी प्यारी सी बहनें या भाई कोई भी कर सकता है। ब्लॉक टू स्पैमिंग कॉल, बहुत सारे यूजर को पता ही नहीं है। मैं अभी दोस्त को पूछता हूं, मेरे दोस्त कहता है यार कंपनी का कॉल आ रहा है, परेशान हो गया हूं, तो यार ट्रू कॉलर इस्तेमाल करो ना। यहां पे देखिए दोस्तों ब्लॉक टू स्पैम मतलब हर एक कस्टमर का कॉल, जो भी कस्टमर केयर कंपनी का नंबर है ब्लॉक हो जाएगा अगर आप लोग उसको इनेबल रखते हैं, तो काफी यूजफुल चीज है यार। उसके बाद ब्लॉक मतलब जिसको हमने ब्लॉक किया उसका भी नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार, तो हम चाहते हैं कि ना आए, तो आप लोगों इसको यहाँ पे इनेबल रखना है कि कोई भी जिसको भी ब्लॉक मारा है उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगर अगला व्यक्ति कॉल कर रहा है ब्लॉक होने के बाद भी। उसके बाद दोस्तों आप चाहते हैं, आप लोग बहुत लोग परेशान रहते हैं कि भाई दूसरे देश से मेरे पे कॉल आता है यार, मैं चाहूँ कि ना आए, तो आप लोग क्या करना है ब्लॉक फॉर नंबर फॉरन कंट्री मतलब दूसरे देश का नंबर ब्लॉक मारना चाहते हैं तो यहाँ से ओके कर सकते हैं, मतलब उसका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉल नहीं आएगा आप पे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग ब्लॉकिंग के मामले में दोस्तों देखिए यहाँ पे ब्लॉक नंबर दिस इज नॉट माय फोन बुक, मतलब जिसका नंबर मेरे फोन में सेव नहीं है उसका मेरे पास कॉल नहीं आएगा, तो ये कैसे कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ से इनेबल रख दें। उसके बाद क्या होगा, कोई भी व्यक्ति कॉल करेगा जिसका मैंने नंबर सेव नहीं किया कॉल नहीं आएगा। ऐसे क्या होता है कि हमारा नंबर बहुतों के पास चला जाए तो वो क्या करते हैं कॉल पे कॉल बहुत सारे लोग करने लगते हैं, तो इस तरह अगर आप लोग कर दे रहे हैं तो सामने वाले का कॉल आएगा ही नहीं हमारे पास, खासकर मेरी प्यारी सी बहनों का, उनका नंबर बढ़ जाता है या कोई भी कहीं भी नंबर डाल दे तो फिर कॉल, तो इस तरह आप लोग इस्तेमाल करें फिर कॉल नहीं आएगा आप। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करना है, ऊपर करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों हाउ टू ब्लॉक कॉल, यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद दो ऑप्शन आएगा दोस्तों, रिजेक्ट ऑटोमेटिक या रिंग साइलेंट, मतलब जिसने ब्लॉक कर रखा आपने उसको कॉल, उसका फोन आएगा तो क्या ऑटोमेटिक मतलब कट जाएगा या रिंग आपका फोन साइलेंट हो जाएगा, तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको क्या करना है। नेक्स्ट फीचर दोस्तों, इससे आपकी प्राइवेसी बच सकती है, इससे आपका फोन खुलने से बच सकता है। देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा हरे कलर का, एक घंटा दो घंटा, और देखिए दोस्तों अगर मैं ऊपर करूँ तो और मेरे में आ रहा है एक घंटा, मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे का ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है दोस्तों, ये क्या होता है कि हमने एक घंटे पहले किसी को कॉल किया था, तो ये सामने वाला पता कर सकता है काफी आसानी से। अगर हम किसी से बिजी हैं तो वो भी पता कर सकता है, यहाँ पे कॉल ऑन एक कॉल लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों वैसे में हम कैसे बचे कि हमारा कोई चेक ना करे, तो वैसे में दोस्तों आप लोग काफी आसानी से बच सकते हैं, कोई हमारा प्राइवेसी चेक ना कर पाए कि हम किसी से कॉल कर रहे हैं या हम मतलब फोन साइलेंट है या हम एक घंटे पहले किसी को कॉल किए थे। ये आप लोग अगर बचाना चाहते हैं कि सामने वाले को ना पता चले ट्रू कॉलर पे, तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहां पे देखिए दोस्तों प्राइवेसी ऑप्शन दिख रहा होगा सेंटर, यहाँ जो भी मैंने बताया था यहीं पे टैप करना है। उसके बाद ये देखिए आप में ये ऑन होगा, आप लोग क्या करना है इसको ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने के बाद दोस्तों अब आपका देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों अब हमारे में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इससे आपका भी कोई चेक नहीं कर पाएगा और आप भी किसी का चेक नहीं कर पाएंगे कि वो बिजी है या कितने देर पहले कॉल किया था या उसका फोन साइलेंट है, ये आप लोग भी पता नहीं कर सकते और आपका भी नहीं पता चलेगा। काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग था। नेक्स्ट फीचर दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए टैप करना है, टैप करने के बाद देखिए दोस्तों आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं कि आपका ट्रू कॉलर प्रोफाइल किसने कितनी बार चेक किया है, आपको यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया कि 24 लोगों ने चेक किया है और 16 लोगों ने दिल्ली से चेक किया है, काफी कमाल की बात है दोस्तों। तो आप लोग अभी जाके चेक कर सकते हैं कि आपका किस किसने चेक किया है और कहां से चेक किया है, काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग था ये। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ टिप्स जो फीचर्स ट्रू कॉलर को पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास जिससे उनको भी नॉलेज मिल पाए ट्रू कॉलर का दोस्तों, और कमेंट जरूर कर दे कि ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनती है, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है टेक्निकल गोविंद इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बंदे मातरम। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में।